तो 15 जुलाई सेकेंड शिफ्ट भी ख़त्म हो गया और फिर से पूरा पेपर पीटीए से ही आया। पहले क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा है और फिर आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो दया यादव लिखते हैं इंग्लिश एंड रागा फुल पीटीएस। ऑथेंटिक का सिरे ने पूछा, सर मैंने सारे नॉन वर्बल करे आपकी वजह से, यानी कि पूरा जब पीटीएस है तो फिर करोगे ही। फिर आगे मज़ा आ गया एग्ज़ाम सर, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और थैंक यू सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ सर, वेरी इजी पेपर, थैंक्स अनु सर, 20 out of 20 मार्क्स कर दी। दिव्यांशु कुमार, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, एटमॉस्फेयर प्रेशर पूछा था कि किससे नापता बैरोमीटर, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, वाईचुंग भूटिया फुटबॉल, नेपोलियन ऑफ इंडिया पूछा, समुद्र गुप्त, WWE का फुल फॉर्म पूछा, वर्ल्ड वाइड वेब, टीचर्स डे 5 सितंबर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीटीएस या फिर आपका जो महा पीटीएफ में जो जीके के पीटीएफ दिए उससे बाहर हो। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। फिर आगे इन्होंने बोल दिया। फिर आदित्य प्रताप सिंह परिहार ने लिखा, सर सुबह की आपकी जीके पीडीएफ पढ़ के गया था, उसमें से नेपोलियन वाला क्वेश्चन आया, एग्जाम वाज इजी, मैथ्स वाज लिटिल ऑन हार्डर साइड, मिल्क स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आया था एक, ऑल थैंक्स टू यू। तो इसमें जो सुबह पढ़ के गए थे, फिर मैंने इनको रिप्लाई भी इनको दिया एक्चुअली, कि एक्चुअली वो जो जीके के पीडीएफ उससे जो सुबह पढ़ के गए थे उससे ना सिर्फ नेपोलियन वाला क्वेश्चन बल्कि WWE का फुल फॉर्म हो गया, बैरोमीटर वाला हो गया और एक और क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन उसी में दिए हुए थे। हाँ, नागालैंड की कैपिटल, ये भी आया आपके एग्ज़ाम में। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम वाई ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट शिफ्ट, वाई ग्रुप के लिए बेस्ट टीचर, फुल फॉर्म ऑफ WWE का फुल फॉर्म पूछा आपसे, भाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा आपसे, कैसी डैक वाले पीटीएस को आगे है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, नागालैंड का राजधानी, फिर मैन हु हेट्स वेमेन ऐसा आया, एनी मिसोगेनेस, ये भी आपका पीटीएस में डायरेक्टली अनुसर ने आपका करवा रखा है। फिर लव माइंडेड ए फोर्स ने क्वेश्चन भेजे, माइन एम इज़ टीकम चंद टक, वन वर्ड आया था वन हु हेट्स वेमेन, और एंटोनिम आया था ऑथेंटिक का, सिनोनिम आया था क्लैंडेस्टाइन का, फिल इन द ब्लैंक आया था इफ़ आई डैश अ किंग वॉज ए वर्ड, स्पेलिंग एरर कमेमोरेट का स्पेलिंग आपसे पूछी थी, ईज़ का एडजेक्टिव था, नागालैंड की कैपिटल भाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है, WWE की फुल फॉर्म, नेपोलियन ऑफ इंडिया, टीचर्स डे, अपर हाउस कौन सा है, अब बताइए, नहीं करवाया मैंने आपको अपर हाउस, ये मैंने एक्चुअली उसमें करवाया था जब मैंने आपको बोला था, जब हमारे और संजीव सर के बारे में आप लोगों ने मिसकंसेप्शन फैला दिया, तो उसी में मैंने जब वो उसका बता रहा था तभी मैं एक चीज़ मैंने बताया था कि अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो मिनिमम एज होती है वो 30 साल होती है और लोकसभा में 25 साल होती है इलेक्ट होने के लिए, तो उसी में ही मैंने आपको बता दिया था। फिर बांदीपुर नेशनल पार्क और पेपर बहुत ईजी आया, फिर शुक्रिया कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। तो देखो, नेपोलियन ऑफ इंडिया पूछा, समुद्रगुप्त। फिर आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, ये तो खैर दूसरा, ये तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका ये 13 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आया था, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ें, वो क्विज़ है था, वो जो टेलीग्राम में क्विज़ होती है, तो वो भी कितनी इंपॉर्टेंट आप दे सकते हो, ठीक है। फिर एक तो वो देख लिया हमने कि समुद्रगुप्त बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर अभी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड, ये किसमें है, वो मैंने दिखाया था तुमको, पीटीएस से था, ये देख रहे हो, ये जो महा पीटीएफ में जो जीके की पीटीएफ दी है उसमें डायरेक्टली था। फिर और अगर हम आगे बढ़ें, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये पीटीएस में था आपका। WWE का फुल फॉर्म पूछा, ये देखो पीटीएस में था डायरेक्टली। फिर आपका जो अभी आया, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी पीटीएस में था, बैरोमीटर। और अभी तक तो यही मैंने निकाले, तो आप देख सकते हो कि ये जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं सारे पीटीएस में हैं। ये मैं आपको सेकंड शिफ्ट के मैंने सारे क्वेश्चंस दिखाए हैं जीके के, जो डायरेक्टली आपके पीटीएस में दिए हुए हैं, और यही क्वेश्चंस मैंने जो जीके की पीटीएफ है महा पीटीएफ में दी है उसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और डोज वाले में भी मैंने करवा रखे हैं सारे क्वेश्चंस, ये जिन लोगों ने किया उन लोगों को पता है, और जिन लोगों ने आज एग्जाम दिया है अपना रिव्यू जरूर शेयर करें कॉमेंट सेक्शन में, बच्चों को बताएं कि कहाँ से क्वेश्चंस आए और कहाँ से आपको फ़ायदा मिला। ये वही है कि मतलब जीके क्वेश्चंस तो पता चल जाते हैं कौन से हैं, तो इस वजह से हम निकाल के बता देते हैं कि पीटीएस है, लेकिन मैथ्स के रीजनिंग में लड़के बता रहे हैं कि डायरेक्टली वही आ रहे हैं, क्योंकि वो तो पता नहीं चलते एग्जैक्टली क्वेश्चंस इस वजह से। आगे क्वेश्चन विक्की सिंह ने भेजे, सीरीज से क्वेश्चन है, 14, 10, 22, 46, कैपिटल ऑफ नागालैंड, भाईचू भूटिया इज रिलेटेड टू विच गेम, अपर हाउस नोन, यानी कि उसको बोलते हैं टीचर्स डे, था फोर फिगर फ्रॉम पीटीएस एंड इंग्लिश मेनोरर वर्बल इजी, आप देख सकते हो कि नॉन वर्बल का तो सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पीटीएस से ही पूरे क्वेश्चंस डिट्टो वही क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ आपको बस आंसर रटा होता है, आंसर मार करना होता है बस उसमें आपको, ठीक है। फिर आगे गणेश भार्गव ने क्वेश्चन भेजा, जीके नागालैंड की कैपिटल, मैन हु इट्स वेमेन, बांदीपुर नेशनल पार्क, भाईचुंग भूटिया कौन से स्पोर्ट्स से हैं, ईज़ का एडजेक्टिव पूछा था, किशे को पैसेज का। फिर आगे दया यादव, इंग्लिश एंड रागा फुल पीटीएस, ऑथेंटिक का एंटोनिम, सर मैंने सारे नॉन वर्बल करे आपकी वजह से। तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस अभी तक मिले मैंने आपको दिखा दिए, तो अब देखो सबसे पहले जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के मिल जाएगी। अब करना क्या है,
डोज सेशन मैं फिर से बता दूं, हर हर वीडियो में यही बताता हूं, क्योंकि हर वीडियो में वहीं से आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि हर क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। डोज की अगर बात करूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको पूरा रट जाना। आज की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें 3 क्वेश्चन आए थे डोज से। अभी जो अली शिफ्ट हुई बांदीपुर वाला, मैंने उसी में करवाया था और फुल फॉर्म भी करवाया था, नहीं कि ऑलमोस्ट उसमें भी आपको डोज में 2-3 क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे। तो अगर आपको दो से तीन से चार नंबर पक्के करने, तो डोज देख लो। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत भी, पीटीएस को पूरा चार्ट डालो। पीटीएस कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में। अब पीटीएस है क्या, बहुत लोगों को नहीं पता रहता। तो पीटीएस टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने आपको करवाई थी अप्रैल एग्जाम से जस्ट पहले, ठीक है। तो अब उसकी पीडीएफ फॉर्म आपको अवेलेबल है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फाइल सेक्शन में जो दूसरे और तीसरे नंबर की फाइल है, वही आपकी इंग्लिश की और रागा की, ठीक है। दोनों में उसका आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगर वही है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा उनको उनका हो जाएगा, और जिनके 30 तक नंबर आ रहे हैं उनके 40+ नंबर आ जाएंगे। ये आलम है अगर आपने पीटीएस कर लिया तो, ठीक है। और महा पीडीएफ 1 करंट अफेयर से इस वाली शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो महा पीडीएफ के अंदर जो जीके की वहाँ पीडीएफ दी है उसमें, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए। अभी मैंने आपको दिखाया 3 से 4 क्वेश्चंस, तो उसको भी एक बार कर लेना, एक एक करके करना। अगर टाइम है तो पीटीएस करो, नहीं थोड़ा बिल्कुल भी टाइम नहीं, शाम को एग्ज़ाम है तो फिर डोज करके जाओ। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम है। सबका मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम का लिंक जहाँ से आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो पीटीएस वाली, वो भी आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और सभी को बेस्ट ऑफ लक जो जिनका आगे एग्ज़ाम है। अगर आपने पीटीएस कर रखा, एग्ज़ाम विल बी ईजी। और थर्ड शिफ्ट का जैसे मैंने कल बोल रहा था कि हार्ड है, हार्ड है, जीके से नहीं आया, अभी पता चल रहा है कि सारे क्वेश्चन वहीं से थे, और उसका प्रूफ भी मैंने अपलोड किया। जैसे कि B12 वाला एक क्वेश्चन था शायद आया, वो भी वहीं से था। फेडरलिज्म का जो क्वेश्चन आया था वो भी वहीं से था, और भी एक दो क्वेश्चन थे जो मैंने, हाँ कि गोवा के एक CM कौन है, वो भी PTS में था। तो PTS में अभी भी सिलसिला थर्ड शिफ्ट में भी रुका नहीं है, तो अभी भी आगे भी रुकने की उम्मीद नहीं है। और ये सभी लोग कंफर्म करें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कि आपको PTS से फ़ायदा मिला या फिर नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।